मेरा धीर ध्वज चीरा जागा कहीं रुक ना जाए हाड में, रुक ना जाए हाड में। राजा रुकना जाए हार में, रुकना जाए हार में। बाढ़न को समझा रहा और कह रहा है, क्या कह रहा है इस बात के द्वारा कवि ने क्या लिख दिया ये सुनते हैं। राजा के संग रया का कहरा प्यार करना चाहिए, ए प्यार करना चाहिए। एक एक मिनट होए भारी ना तार करना चाहिए, सर के ऊपर धरते ही आरा पार करना चाहिए, पार करना चाहिए। हड्डी पसली सब कट जा फिर कुछ ना बचे बाढ़ में, मेरा धीर ध्वज चीरा जागा कहीं रुक ना जाए हार में, रुक ना जाए हार में। कभी कितने यज्ञ तप तप दान करने के बाद मैंने इकलौता पुत्र पाया था, लेकिन आज उस पुत्र को चीरने के लिए मुझे आरा लेना पड़ रहा। और क्या कहा, क्या क्या लिख दिया कवि ने बड़ा। बड़े यज्ञ हवन तप दान करे मन जब बेटा पाया था, पुत्रष्टि यज्ञ कराए मने अड़सठ तीरथ धाया था, अड़सठ तीरथ धाया था। व्याधि डॉक्टर पास रहे इस ढाल मने ताया था, उस माँ की तो हिम्मत देख जने पेट भर जाया था, पेट भर जाया था। मैं बेटे ने धर्म की खातिर जीरण लगी ठाड़ में, मेरा धीर ध्वज चीरा जागा कहीं रुक ना जाए हार में, रुक ना जाए हार में। ताकि मेरे इकलौते पुत्र को चिरते समय दर्द ना हो। और क्या कहने लगा, भला क्या लिख दिया। अरे देर नहीं करनी होगी आरा जल्दी देना होगा, इतना ही एहसान भतेरा जो बेटी पे ना होगा, अरे बेटी से ना होगा। जो भी कहना होगा कुछ यश करके चले दुनिया में, यहाँ किसका रहना होगा, किसका रहना होगा। मानस पे जोर जमाया जैसे अपनी अड़गाड़ में, मेरा धीर ध्वज चीरा जागा कहीं रुक ना जाए हाड़ में, रुक ना जाए हाड़ में।
आखिरी कली में कवि महोदय ने बड़े सुंदर शब्दों में बिल्कुल रागिणी का निचोड़ किया और क्या लिख दिया, क्या बताया भला। ए बेटे के मरने से आज मेरा उजड़ मेला हो गया, दरबारों में मेरी जान का घना झमेला हो गया, घना झमेला हो गया। ऐसा दानी कोई मत बनियो जहाँ बेटा केला हो गया, खुशियत करके दुनिया में यहाँ किसका रहना होगा, किसका रहना हो गया। ए पीरू कह साड़ की बिगड़ी सुधरे फिर साड़ में, तीर गजुची राजा का कहीं रुक ना जाए हाड में, रुक ना जाए हाड में। ए पैना सा आराध्य बेटी क्यों बना रहो लाड में, मेरा तीर गजुची राजा का कहीं रुक ना जाए हाड में, रुक ना जाए हाड में।